आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिश्ला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मिट्टी बचाओ आंदोलन, कार्यक्रम में शिरकत। बोले, केमिकल फ्री होंगे खेत, नमामि गंगे को मिलेगी नई ताकत। केरल में मिड डे मील खाकर 8 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दिए जांच के निर्देश। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, आतंकियों के खिलाफ फिर हुई रणनीति। कश्मीर में सुरक्षा की नई रणनीति, टारगेट किलिंग रोकने और आतंकी तंत्र को तबाह करने का कार्य शुरू, जल्द होगा आतंक का खात्मा। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे परेशान, कहा हर संभव मदद के लिए तैयार। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जंतर मंतर पर आपकी प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल भी शामिल। टारगेट किलिंग के बीच खीर भवानी मेले की शुरुआत, शामिल नहीं होंगे कई कश्मीरी पंडित, का 1990 से बदतर हालात। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के ट्रांसफर लिस्ट सोशल मीडिया पर लीक, गुस्से शिक्षकों ने सरकार को खिलाफ किया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान फूट फूट कर रो पड़े मूसेवाला के पिता, गृह मंत्री से की सीबीआई जांच की मांग। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की मानव तस्करी का मामला, एनआईए ने 6 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा जन जन तक सांस्कृतिक ज्ञान पहुंचाने में अहम भूमिका। कांग्रेस नेता कार्तिक चिदंबरम ने खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा, अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई विशेष अदालत ने किया था इनका। दिल्ली में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड पारा, 47 डिग्री सेल्सियस के पार, कई जगहों पर होगी भारी बारिश। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए सुझाव, पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा। राजस्थान में बसपा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, तो हरियाणा में बिश्नोई ने बिगाड़ा पार्टी का गणित, कर्नाटक में भी मामला दिलचस्प। अलीगढ़ में ग्रामीण नेता पर गंभीर आरोप, अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। अंबेडकर नगर में जिम्मेदारों की लापरवाही बनी मौत की वजह, बिना पानी के मर रहे हैं जानवर। बदायूं में महापुरुषों की प्रतिमा पर मल्यार्पण, सेवा बस्ती में स्वच्छता अभियान और मेधावी बच्चों को किया गया सम्मानित। बुलंदशहर में अधिकारियों के निर्देश पर सुब पुलिस की टीम हुई एक्टिव, एसएसपी के पैदल भ्रमण कर इलाके का लिया जायजा।
फिरोजाबाद में सड़क बनी जंग का अखाड़ा, दो पक्षों के बीच हुई झड़प, राहगीरों ने बनाया मारपीट का वीडियो। लखनऊ में समर कैंप बनाएगा यादगार, छुट्टिया गुल फाउंडेशन द्वारा समर कैंप का आयोजन। संभल में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण, कमियां मिलने पर कार्रवाई के निर्देश। श्रावस्ती पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, परसिया भवानी नगर बंधे का किया निरीक्षण, हर घर पेयजल योजना की भी शुभारंभ। सिद्धार्थनगर में झोपड़ी में अस्पताल का वीडियो वायरल, मरीजों का इलाज करते मिले फर्जी डॉक्टर। लखीमपुर खीरी में जिला कारागार में कैदी की मौत, परिजनों ने एसपी कार्यालय का किया घेरा। लखीमपुर में शहीद पथ पर भीषण सड़क, लखनऊ की शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा, डंपर ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, ट्रिपल एक्सीडेंट से राहगीरों में दहशत। शाहजहांपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने किया वृक्षारोपण। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज तहसील दिवस पर आए फरियादी, तहसील दिवस पर आए 140 मामले, समस्याओं का हल करने के दिए नए निर्देश। श्रावस्ती में बस मालिकों में मचा हड़कंप, जगामार प्राइवेट बसों पर एक्शन, बसों को सीज करने की कार्रवाई की गई। कानपुर उपद्रव में टेरर फंडिंग की आशंका, हयात जफर के पास मिले पीएफआई से जुड़ी संस्थानों के दस्तावेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन तथा विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए हरिशंकरी का पौधा। चाचा मंत्री है हमारे, बरेली में सड़क पर बियर पी रहे वन मंत्री अरुण सक्सेना के भतीजे ने दोस्तों के साथ होमगार्ड को भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। कबीर की समाधि पर मत्था टेककर वाराणसी के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति, एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। मुजफ्फरनगर में बोले राकेश टिकैत, मेरी हत्या की रची जा रही साजिश, सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत। रेल स्टेशन पर बिजली का तार टूटने से युवक झुलसा, कई ट्रेनें हुई प्रभावित, युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राहक हर हाल में 2 साल के अंदर जिला उपभोक्ता फोरम में करें अपील, वाराणसी परिक्षेत्र में 50 लाख की होती है सुनवाई। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने जारी किया प्रैक्टिकल गाइडलाइन, छोटी छोटी कोशिशों से ठीक करें पर्यावरण की सेहत। लखनऊ जिलाधिकारी का नगर निगम को निर्देश, दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वालों पर दर्ज कराए मुकदमा। गैस टैंकर में आग लगने से दहशत में बीते पल, 3 घंटे बंद रहा इटावा बरेली हाईवे पर यातायात।
सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, योगी के बाद कुशल प्रशासक बनने में नहीं लिया ज्यादा समय। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, हार से सबक लेकर करनी होगी 2024 और 2027 के चुनाव की तैयारी, कमजोर रणनीति रही विधानसभा चुनाव में हार का कारण। राष्ट्रपति और पीएम ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई, मोदी बोले उनके कुशल नेतृत्व में राज्य के प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ। चार दिन पहले हुए एचआईवी संक्रमण का भी चलेगा पता, लखनऊ के लोहिया संस्थान में मशीन लगी। अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव में कब्जों पर शासन की नजर, रामगोपाल यादव के आवास पूर्व सांसद के प्लॉट पर लगा लाल निशान। ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, पिता के हाथ से फिसल कर 5 वर्षीय बालिका गंगा में वही नहीं चल सका पता। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी, मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, पूरे शहर में जाम, रेंगते रहे वाहन, पर्यटक परेशान। लू का प्रकोप जारी, अभी कुछ और दिन बढ़ता तापमान करेगा बेहाल, तापमान ने बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। में नकली दवा बनाने के मामले में कार्रवाई, कंपनी में बड़ा एसटीएफ, उत्तराखंड का छापा, 4 को लिया हिरासत में। चारधाम यात्रा व्यवस्था और मृत्यु का कारण जांचने को गठित होगी विशेषज्ञों समिति, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, चंपावत से मिली ऊर्जा को सेवा भाव में बदल लेंगे। चंपावत उपचुनाव परिणाम में जीत के बड़े अंतर से कांग्रेस के छत्रप बेचैन, दिग्गज नेता बगले झांकने को मजबूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक बोले, धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा उत्तराखंड। चंपावत में मिली ऐतिहासिक जीत पर झूमे भाजपाई प्रदेश, भाजपा कार्यालय में हुए जोरदार आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों की थाप पर मनाया जश्न। देवभूमि में पौधों को जिंदा रखने के लिए मिलेगी जन औषधि, तैयार किया जा रहा प्रोटोकॉल। पर्यटकों को भा रहा नया स्वरूप, देहरादून में है तो जरूर जाएंगे, केवल 210 रुपए में कीजिए बोटिंग, एडवेंचर और बहुत कुछ। अनुमति लेकर चीन सीमा पर पहुंचे, अपने प्रत्येक गांव पहुंचे ग्रामीण, रासो तांदी नृत्य कर किया आराध्य देव को प्रश्न। उत्तराखंड में 72 लाख रुपए के गबन के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के वित्त नियंत्रक गिरफ्तार। सतपाल महाराज ने दिए चारधाम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश, कहा आस्था को नए आयाम दें। ठंडी हवाओं का आनंद लेने चकराता में उमड़े पर्यटक, टाइगर फॉल में लगा रहे गोते, छावनी बाजार में पार्किंग की समस्या। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा पर गिरफ्तारी की तलवार, जांच एजेंसी ने कोर्ट से मांगी इजाजत।
लॉन्च करने जा रहा मानव सहित अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य है मकसद। इजराइल ने बनाया लेजर हथियार, हवा में ही मार गिराएगा रॉकेट और ड्रोन, दो दशक के शोध के बाद मिली सफलता। अमेरिका ने कहा धेन आनमन चौक के पीड़ितों को नहीं जा सकता भुलाया, लोकतंत्र समर्थक छात्रों पर चीनी दमन की मनाई गई बरसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप, एक साल तक की हो सकती है सजा। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण के संकेतों के बीच समुद्र की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया की सेना का दावा। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में आग लगने से 16 की मौत, 450 से अधिक लोग घायल। अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर तालिबान ने किया खंडन, कहा हम आतंक को रोकने में सफल रहे। चीन ने 3 सदस्यीय दल को भेजा स्पेस स्टेशन, खास काम को पूरा करने की दी जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की आशंका, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। विश्व इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा भारत में है मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की क्षमता। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा भारत में 2040 तक दोगुनी हो जाएगी ऊर्जा मांग, लगभग 1500 मिलियन टन कोयले की होगी जरूरत। सरकारी उपायों से गेहूं खाद तेल और आटे की कीमत पर लगी लगाम, निर्यात प्रतिबंध का भी दिखा असर। भारतीय निर्यात में जारी रहेगी बढ़ोतरी, चीन से आपूर्ति बाधित होने और यूरोप में उथल पुथल का मिलेगा लाभ। आईपीओ इथर इंडस्ट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त लिस्टिंग, 21% की तेजी के साथ शेयर कर रहा ट्रेड। $30,000 के नीचे पहुंचा बिटकॉइन, इसमें 0.12% की गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से $31,000 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। सर्विस सेक्टर में हो रही बंपर भर्ती, मई में 40% बढ़ी नियुक्तियां, ट्रैवल सेक्टर सबसे आगे। '21-22 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर मिलेगी 8.1% की ब्याज दर, ईपीएफ दर 1977 के बाद सबसे कम। मिलियन टन कोयला आयात करने को तैयार है सीआईएल, सरकार ने दिए निर्देश, देश के कई हिस्सों में कोयले की कमी के कारण बिजली गुल हो गई थी। मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को छोड़ा पीछे, फिर से बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति। मुकेश अंबानी कई क्षेत्रों में करते हैं कारोबार। तेज गेंदबाज महिका कौर ने 2 रन देकर 5 विकेट की घातक गेंदबाजी ने नेपाल को सिर्फ 8 रन पर ऑल आउट कर दिया। विरोधी टीम यूएई ने 7 गेंदों में जीता मैच। सौरभ गांगुली पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, कहा 2001 में अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार जाते तो सौरभ गांगुली को कप्तानी से हटा दिया जाता।
स्कॉटलैंड के कप्तान काइल क्विटजर ने किया कप्तानी छोड़ने का ऐलान। काइल क्विटजर ने 9 साल बाद छोड़ी टीम की कमान। लियाम लिविंगस्टोन ने जड़ा स्टेडियम पर छक्का। निर्माणाधीन इमारत के बिल्डर ने लौटाई की। पता नहीं कितने लंबे समय तक गेंदबाजी करेगा पूर्व कप्तान ने हार्दिक पांड्या के फिटनेस पर जताई चिंता। गुजरात के खिलाड़ी रिद्धिमा साहा ने की कप्तान हार्दिक पांड्या की तारीफ। कहा, एक कप्तान के सारे गुण हैं उनमें। भारत को शोएब अख्तर ने दी बड़ी चेतावनी। कहा, T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ की गलती को भुगतना होगा परिणाम। रोमांचक मोड़ पर लॉर्ड्स टेस्ट, जो रूट के शतक से न्यूजीलैंड को लग सकता है झटका। पहली बार में दोनों टीम का हाल बुरा। छह गेंदों पर 6 छक्के और 19 गेंदों पर 12 छक्कों की मदद से खिलाड़ी कृष्णा पांडे ने खेली तूफानी पारी, लेकिन टीम को मिली हार। बल्लेबाज डैरल मिचेल के शतकीय पारी में सामने न्यूजीलैंड की टीम। मिचेल के करियर का यह दूसरा शतक है। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज ने किया निराश। पृथ्वीराज की गौरव गाथा का कमजोर अध्याय। विकी कौशल और कीर्ति सेनन को मिला बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस का अवार्ड। सारा और अनन्या की परफॉर्मेंस ने जीता दिल। फिल्म जवान का पहला पोस्टर जारी। एक्टर शाहरुख खान ने कहा, गुड टू गो चीफ इस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का स्पेशल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ब्रह्मास्त्र का टीजर फिर आयान मुखर्जी ने किया शेयर। अमिताभ बच्चन का नाम रणवीर कपूर से रखा आगे। एक्टर कार्तिक के बाद अब एक्टर आदित्य रॉय कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव। फैंस को लगा झटका। कमल हसन की विक्रम ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। 2 दिन में पहुंची 100 करोड़ के पार। विकी कौशल को ग्रीन कारपेट पर नहीं मिला कैटरीना कैफ का साथ। पत्नी के पीठ पीछे बताया अपनी मैरिड लाइफ का हाल। धाकड़ की फ्लॉप होने से घबराई कंगना रनौत। तेजस ओटीटी पर होगी रिलीज, मेकर्स ने बताया प्लान। बोनी कपूर एक्ट्रेस के साथ फोटो खिंचवा कर जाने क्यों हुए ट्रोल। ट्रोलर्स ने कहा, चाचा कपूर आपकी बेटी की उम्र की है। गॉर्जियस गर्ल आलिया भट्ट ने हॉट ऑफ स्टोन की शूटिंग के बीच वीकेंड पर किया चुल। हरे भरे वातावरण में दो संग की मस्ती। इस दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी।